हेलो व्यूअर्स, इस वीडियो में हम जानेंगे ऐसी पांच चीज़ें जिसके कारण आपका फ़ोन का जो लुक एंड फील है वो काफ़ी अच्छी होने वाली है और आपको नई फ़ोन यूज़ करने की जो फीलिंग है वो आएगी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस फ़ोन में मैं सैमसंग के बारे में बात करूँगी। पहली जो चीज़ है वो वॉलपेपर चेंज करना। अगर आप वॉलपेपर को रेगुलरली चेंज करते हैं तो एक चीज़ आप देख सकते हैं जो फ़ोन का लुक्स है काफ़ी एनहेंस हो जाती है। इसलिए अगर आप फ़ोन का वॉलपेपर चेंज करना चाहते हैं तो इसके सेटिंग्स में जाकर मोर वॉलपेपर्स पे जाके आप कोई भी फ्री वॉलपेपर डाउनलोड कर सकते हैं और इसके यूज़ से आपका फ़ोन का जो लुक है वो काफ़ी एनहेंस हो जाती है। इस तरह से आप डाउनलोड कीजिए और फिर इसको सिलेक्ट कीजिए और देखिए आपका फ़ोन का जो लुक है वो काफ़ी शानदार हो जाएगी। सेकेंड इंटरेस्टिंग थिंग जो आप कर सकते हैं वो है वॉलपेपर के अकॉर्डिंग आप कलर पैलेट को चेंज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इस तरह से आप अगर कलर पैलेट को अप्लाई कीजिए तो आपका फ़ोन का जो लुक है वो काफ़ी शानदार होने वाली है और डिफरेंट काइंड्स ऑफ कलर आप अप्लाई कर सकते हैं आपके वॉलपेपर के साथ, जो कि काफ़ी शानदार बात है। तीसरी चीज़, आपके प्रेफरेंस के हिसाब से आप होम स्क्रीन को भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं और इसका जो ग्रिड है आप 4:5 और 5:5 और 5:6 आपके प्रेफरेंस के हिसाब से सेट कर सकते हैं, जिसके कारण जो आइकॉन है उसका साइज़ भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं जिसके कारण आपका जो लुक एंड फील है डिवाइस का वो काफ़ी अच्छी हो जाती है। ऐप ड्रॉअर का ऐप साइज़ भी आप चेंज कर सकते हैं। इस तरह से ऐप ट्रे में आप कितनी ऐप्स को एक लाइन में रखना चाहते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। इसके लिए आपको होम स्क्रीन सेटिंग्स में जाना होगा। इस तरह से नेक्स्ट जो फीचर है वो है वॉलपेपर के लिए आप एक और चीज़ कर सकते हैं। एक ऐप्स है जेज, इस पर क्लिक करके आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से और आपके चॉइस के हिसाब से आप वॉलपेपर सेट कर सकते हैं। अगर आप रेगुलरली इस वॉलपेपर को चेंज करते हैं तो आपका जो फ़ोन का जो लुक है वो काफ़ी अच्छी होगी और लेटेस्ट फ़ोन जो लॉन्च हो रहा है उसका वॉलपेपर भी यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जिसके कारण आपका फ़ोन का यूसेज पैटर्न वो काफ़ी अच्छी होने वाली है। एक और चीज़ है जिसका यूज़ करके आप आपका जो लॉक स्क्रीन वॉलपेपर है उसको भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इसके लिए आपको जाना पड़ेगा लॉक स्क्रीन वॉलपेपर सेटिंग्स में। यहाँ पर आप डायनेमिक लॉक स्क्रीन को सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर ग्लैंस ऑन सैमसंग को सिलेक्ट कर सकते हैं। डायनेमिक लॉक स्क्रीन में आप देख सकते हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टाइल है वॉलपेपर का, जिसका यूज़ करके आपका जो लॉक स्क्रीन का वॉलपेपर है वो हर बार चेंज होगा जब भी आप लॉक स्क्रीन में क्लिक करेंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी फीचर्स है मेरे मुताबिक। इसका उपयोग करके आपका जो फ़ोन का जो लुक है वो काफ़ी अच्छी होने वाली है। अनदर इंटरेस्टिंग फीचर इज़ द यूज़ ऑफ ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का यूज़ करके आप लॉक स्क्रीन में ही आपका टाइम, डेट और कोई भी नोटिफिकेशन देख सकते हैं। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में भी बहुत सारा कस्टमाइजेशन सैमसंग ने दिया हुआ है। यहाँ पर आप डिफरेंट काइंड्स ऑफ लॉक और क्लॉक्स यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा भी आप यहाँ पर इमेज क्लॉक यूज़ कर सकते हैं इस तरह से, जो कि काफ़ी अच्छी लग रही है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा भी आप यहाँ पर दूसरे किस्म का जो क्लॉक स्टाइल है वो भी यूज़ कर सकते हैं, AR का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं और गैलरी से भी अगर आप चाहे तो इस यहाँ पर से भी आप लॉक स्क्रीन में सेट कर सकते हैं जो भी आप चाहें। और यहाँ पर थीम्स में भी जाकर आप
जो सैमसंग का स्टोर है वहाँ पर भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपको मैं दिखाता हूँ एक डाउनलोड करके, इस तरह से कोई भी आप फ्री लॉक स्क्रीन को डाउनलोड करके आप उसका उपयोग कर सकते हैं, जो कि कुछ इस तरह दिखेगी। यहाँ पर मैंने डाउनलोड किया और अप्लाई कर दिया इसको, कुछ इस तरह से आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को भी कस्टमाइज कर सकते हैं, जिसके कारण आपका फ़ोन का लुक काफ़ी एनहेंस हो जाएगी। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी है, अगर लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए।